नमस्कार, मेरे चैनल गीता के पकवान में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरौरी, इसको मुरै पापड़ या मुरै पूरी जो भी आप बोले, बिहार में मुरौरी बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है। मैं बनाना शुरू करती हूँ मुरै पापड़, जो चावल का आटा से बनता है। ये है 600 ग्राम चावल का आटा, ये 500 ग्राम मूली कद्दूकस किया हुआ है। अब मूली को मीडियम आँच में इसको इसका पानी सुखाएंगे। बहुत पानी का कद्दूकस करने पर बहुत पानी निकलता है, इसको चलाते रहेंगे, पूरा पानी सूख जाएगा। तब फिर अब चलाकर इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि ये मूली बढ़िया से पक जाए। देखिए मूली पूरा पानी सूख गया है। अब इसमें चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि अच्छा से मिक्स हो जाए, ज़्यादा गीला ना हो। थोड़ा और डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाकर ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, देखिए हरी मिर्च, हींग और इसमें अजवाइन और कलौंजी हाथ से मैश करके डाल देंगे। धनिया पत्ती है छोटा टुकड़ा में कटा हुआ और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि चटनी दही के साथ खाते हैं तो नमक हल्का ही डालते हैं। इसको चाय के साथ भी खाइए। चलिए अब कढ़ाई गरम करते हैं। अब कढ़ाई में देखिए पूरा आटा गूंथ लिए हैं।